पासवान साहब, ये जो संबित जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जंगल राज वाली जो थ्योरी थी वो लोगों में वाकई एक डर था, इसीलिए तेजस्वी की इतनी मेहनत के बाद भी लगता है मौका नहीं मिलेगा रहे, पहुंचते पहुंचते चूकने की नौबत आ रही है, अब तो सेंचुरी से नीचे फिसल गए हैं सर रुझानों के मुताबिक। पासवान जी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अभी तो मात्र 2 घंटे का काउंटिंग हुआ है और ये शहरी क्षेत्र का बता रहा है, जहाँ पे अपना को साम्राज्य समझते हैं शहरी क्षेत्रों को, ग्रामीण क्षेत्रों के बक्से आने में थोड़ा लेट होते हैं। और जब ग्रामीण क्षेत्र के जो EVM खुलेंगे तो निश्चित रूप से जो बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है महागठबंधन के पक्ष में, 10 लाख रोजगार के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, किसानों के हालत को सुधारने के लिए, सिंचाई के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, निश्चित रूप से अंतिम चुनाव परिणाम आने तक महागठबंधन की सरकार जो है। लेकिन आपका चेहरा तो अभी से मायूस होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब आप इतने उत्साह में बैठे हुए थे, अभी से मायूस हो गए आप? नहीं, मायूसी का बिल्कुल कोई सवाल नहीं है, क्योंकि बिहार के जनता मतदाताओं का चेहरा जो है ना, वो खिलता हुआ मतदान किया है, इसलिए मायूसी का कोई सवाल नहीं है। और जहाँ तक परिणाम के सवाल है, अभी बहुत उतार चढ़ाव आएंगे और अंतिम आते आते, अभी तो 2 घंटे का वक्त बीता है, अंतिम आते आते बिहार बदलाव, लेकिन वो तो बहुत तेजी से आगे बढ़ गया ना पासवान साहब। महागठबंधन 98 पर आ गया, 127 पर एनडीए पहुंच गया, और ये देखिए मैप में भी हम दिखा रहे हैं बीजेपी। हाँ बोलिए बोलिए। लेकिन यह परिणाम नहीं है, यह परिणाम अंजना जी नहीं है, यह रुझान है। और रुझान जिस तरह से पहले पोस्टल बैलेट में बढ़े थे, फिर EVM खुले हैं, फिर अभी ग्रामीण क्षेत्रों के जब EVM खुलेंगे, निश्चित रूप से परिणाम जो है वो महागठबंधन के पक्ष में आएगा। और आप देखिएगा कि हम लोग भी यही हैं, बिहार के मतदाता जो निर्णय लिया है अरविंद वाजपेयी अगले 5 वर्ष तक अपने भविष्य निर्माण के लिए निर्णय लिया है। अरविंद वाजपेयी जी, बिहार का जो बेरोजगारी था, अब आप 3 में हैं कि 13 में हैं, में कोरोना काल तो मतलब सत्ता की चाबी अपने हाथ में रख रहे थे, पैदल चले और कहा ये देखिए एनडीए 126 पर लगातार वो आगे बढ़ गया। एनडीए सरकार से बिल्कुल गुस्सा ही नहीं था, नफरत था बिहार के मतदाताओं को, लोगों को नफरत था, इसलिए परिणाम। मित्रा जी, इसमें भी हमारी जीत है, ये जो रिजल्ट आपको दिख रहे हैं एनडीए के जो, बोलिए बोलिए जी, हम ये कह रहे हैं कि ये जो रुझान एनडीए के पक्ष में दिख रहे हैं तो यही तो हम कह रहे थे कि ये मोदी जी की मेहनत काम कर रही है। इसमें एनडीए में नीतीश कुमार भी है, जिनके खिलाफ आप लोगों ने उम्मीदवार उतारकर डॉक्टर पात्रा पर हाथ फेर रहे हैं, सब सुन सुन के डॉक्टर पात्रा सिर पे हाथ फेर, ज्यादा सीटें ली नीतीश कुमार ने, ज्यादा सीटें ली, और उनका क्या परफॉर्मेंस दिख रहा है, यही तो हमारा झगड़ा था शुरू से, हमने यही सलाह दी थी। और 72 और अगर बीजेपी हमारे साथ, चलिए आपने बात तो मानी, अब तो माने ही, बात खुलकर की सीट पर ही पूरी लड़ाई थी। चलिए अखिलेश जी हैं क्या हमारे साथ, अखिलेश प्रताप सिंह जी कुछ बोल रहे हैं जी, ठीक है, संबित जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से एक बार जरा ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं, चित्रा जा रही है दिखाने के लिए, जल्दी से संबित जी अपनी बात बोल लीजिए, अभी उनके पास चाबी थी जेब में। चाबी भी नहीं खनकाने दी आपने मिस्टर पात्रा। रुझान आया है, नहीं उस पर भी जवाब दूंगा अभी, मगर जरा आरजेडी की प्रवक्ता ने जो प्रश्न उठाया कि अभी तो केवल शहरी मतदाता का रुझान दिख रहा है, अभी रूरल वोट खुलना बाकी है। देखिए, जो 10 लाख रोजगार की बात कर रहे थे तो याद रखिए, शहरी मतदाता और रोजगार ये हैंड टू हैंड चलते हैं। जहां तक डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, रूरल में तो मनरेगा, रूरल में तो एग्रीकल्चर, रूरल में तो जिस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को छठ पर्व तक जो है राशन देने का काम, ये मुद्दे बहुत बड़े थे। और उसका रूरल का रुझान तो बीजेपी और जेडीयू की तरफ रहेगा, 1000 रुपए कोरोना के समय सबके अकाउंट में जाना, DBT ट्रांसफर, आपका तो गढ़ आपने खुद बताया था कि रोजगार रोजगार रोजगार, जॉब्स जॉब्स एंड जॉब्स, और वो भी गवर्नमेंट जॉब, ये शहरी अर्बन विषय था, उसमें कहीं ना कहीं आप मात खाए हैं और आप पर विश्वास नहीं किया है लोगों ने, ये आपने आज स्वीकारा है। जहां तक चाबी का विषय है, देखिए हनुमान जी के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, आज मंगलवार का दिन है, आज ऐसे ही हनुमान जी को नमन करना चाहिए, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये तो मतलब गजब है बीजेपी का कि हनुमान जी पर कोई टिप्पणी नहीं, हनुमान जी जो भी करते रहे नीतीश कुमार को लेकर जैसे भी टिप्पणी।